जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए थ्योरी वाइज क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से देख लो मेरी सारी वीडियो गुरुत्वाकर्षण की, जितनी भी वीडियो बनती है, तो आपका ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर मैंने पहले तीनों नियम लिए हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के तीन नियम होते हैं। पहला नियम होता है कैप्लर का नियम, दूसरा नियम होता है क्षेत्रफल पर आधारित नियम होता है, तीसरा नियम होता है परिक्रमण काल का नियम। तो ये तीन नियम हैं, इन तीनों नियम को समझते हैं और इससे जितने न्यूमेरिकल बनते हैं वो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कैप्लर का नियम क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार, तो इसे धीर वृत्ताकार कर लेना है। वृत्ताकार क्या होता है, गोला होता है पूरा, और धीर वृत्ताकार ऐसा कुछ होता है, यह हमारा धीर वृत्ताकार है, में गति करता है, जिसके किसी भी एक फोकस पर क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। यहाँ पर सूरज स्थित होता है, यही बताता है कि कैप्लर ये बताता है कि जो ग्रह होते हैं वो क्या धीर वृत्ताकार गति करते हैं और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो यही पहला नियम है। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है कि पूछेगा कि सूर्य किस वृत्ताकार में गति करता है, कि धीर वृत्ताकार गति करता है, परवलयकार, तो यही पूछेगा। तो आपको क्या बताना है, धीर वृत्ताकार गति करता है। दूसरा नियम क्षेत्रफल पर आधारित है, और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि इसमें क्या कहा गया है। तो चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित है, तो हम बनाते हैं एक धीर वृत्ताकार, यह हमारा एक धीर वृत्ताकार है और यहाँ पर सूरज स्थित है। अब समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड में अगर 180 किलोमीटर कवर कर रहा है तो हमारा एरिया इतना कवर किया। और जब हमारा ग्रह सूर्य के नज़दीक है और एक सेकंड में 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है, तो इतना एरिया कवर किया। और सेकंड दोनों मतलब एक सेकंड में यहाँ पर भी इतना कवर किया है और एक सेकंड में यहाँ पर भी इतना कवर किया है। तो ये जो दोनों एरिया हैं, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इसी नियम में ये कहा गया है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि समान समय में समान क्षेत्रफल कवर किया है। और ये समझना कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका क्या होगा, वेग स्लो हो जाएगा, और जैसे जैसे ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो उसका वेग क्या होता है, तेज़ हो जाता है। तो यही आपको इसमें समझना है। और यहाँ पर देखिए, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आए ग्रह का वेग नियत होता है तो आप गलत हो जाओगे। तो ग्रह का वेग नियत नहीं होता है, जैसे जैसे सूर्य के पास आता है उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है, तो ये इसका पॉइंट है। तो ये याद रखना, ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है, dA/dt इज कॉन्स्टेंट, तो ये याद रखना। तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है, T² ∝ R³, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको। देखिए, टी हमारा क्या होता है, परिक्रमण काल होता है, मतलब कि सूरज का जो चक्कर लगाता है कितने समय में कितना एरिया कवर करता है, तो ये हमारा परिक्रमण काल है। और आर क्या है, सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो इसी फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा न्यूमेरिकल ये। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करना है। जैसे दिया है, उस ग्रह के लिए एक साल में कितने दिन होंगे, जिसके लिए सूर्य से प्रभावी लंबाई पृथ्वी से प्रभावी लंबाई का 4 गुना होगा। मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है R1, R1 अगर हमारा पृथ्वी है तो R2 क्या कह रहा है कि 4 गुना होगा, तो 4R कर देंगे। यहाँ पर R हमने ले लिया, ये पृथ्वी का है, और ये जो R है ये हमारा किसका है, 4 गुना, जिसका हमें निकालना है। तो 4R किए, T1/T2 कर दिए। और देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो है ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8T1 = T2। और देखिए यहाँ पर बात किया गया है एक साल में दिन दिन कितने होंगे,
तो दिनों में पूछा है, इसीलिए हमें पृथ्वी की बात किया है। तो पृथ्वी पर कितना होता है दिन एक साल में? 365। तो इसीलिए यहाँ पर T1 की जगह वैल्यू रख दो उसकी, 8 × मल्टीप्लाई कितना करना है? 365। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा T2 जो आएगा वो किसका आएगा? दूसरे ग्रह का, जिसका हमें पता करना है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने एक ही न्यूमेरिकल कराया है, जब मैं प्रैक्टिस सेट इसका करवाऊंगा तो जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन पूछते हैं और इसका डायमेंशन पूछते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि M1 M2 दो कण होते हैं, जिनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F=gm1m2/r2। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए, जो जी होता है हमारा एक नीतांक होता है, सार्वत्रिक नीतांक। का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो होता है वो हर जगह समान होता है। इसका वैल्यू जो होता है 6.67 × 10^3 − 11 होता है, और यह एक अदिश राशि होता है। तो ये याद करना है आपको। अब इसका पूछ लेता है डायमेंशन जी का। अब जी का डायमेंशन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने जी को अलग कर लिया, इसको इस साइड कर लिए, ऐसा हो गया। अब देखिए, बल का अगर आपको डायमेंशन पता है तो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, mg होता है। तो mg का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT inverse 2। ये हो गया। और R का कितना होगा? L² हो जाएगा। और M1 M2 का क्या हो जाएगा? M1 M। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा M inverse L³ t^-2। ये इसका डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन आपको ऐसे सॉल्व करके निकालना है, अगर 2-3 बार आप करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा डायमेंशन। अब देखिए, बल का तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर अगर रखोगे तो बल का आपका निकल जाएगा। तो ये आपको दो डायमेंशन है, तो ये दो डायमेंशन आपको याद कर लेने हैं। तो जितने भी डायमेंशन बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। और देखिए, और कुछ भी पॉइंट हैं जो आपको याद करना है, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है तो ये भी याद कर लेना। और एक पॉइंट पूछा जाता है, या एक धीर पराश का बल है तो ये भी याद करना है आपको, लिख लेना कॉपी पे कहीं पर भी। चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, इनमें से कौन नीतांक नहीं है, सार्वत्रिक नीतांक नहीं है? तो जैसा कि पता होगा, गैस नीतांक एक नीतांक है और गुरुत्वाकर्षण नीतांक ही है। अभी मैंने बताया, गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू होता है वो हर जगह समान होता है। और सी जो दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, ये नीतांक नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है, इसका अलग अलग वैल्यू आता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, g = होता है g M E / r e²। तो जैसे जैसे हम एम ई बढ़ाएंगे जी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एम ई को आर ई को बढ़ाएंगे जी घटेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जी का वैल्यू जो होता है वो हर जगह समान नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाए तो उसका आवर्तकाल होता है। तो यहाँ पर देखिए, गुरुत्व केंद्र की बात किया है। तो गुरुत्व केंद्र में अगर कोई भी वस्तु अगर लटका के उसका दोलन कराओगे, मतलब घुमाओगे, तो क्या होगा? वो हमेशा घूमती रहेगी। तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? अगर घूमता रहेगा तो आवर्तकाल बहुत ज़्यादा, मतलब अनंत होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? सी ऑप्शन इसका सही है, अनंत होगा। सी चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सी जी का एसआई मात्रक होता है। तो जी का मैंने बताया था, एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई में देखिए, जी का वैल्यू पिछले मैंने जो चीज़ें बताई उसमें बताया था, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2, यही होता है। देखो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है, तीसरा मतलब पहला आपका सही है। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक जी का स्वीकृत मान कितना होता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10^3 − 11। ये होता है।
अब यहाँ पर देखो पूरा वो पूछ रहा है कि स्वीकृत मतलब टोटल पूरा बताइए जितना उसका हो सकता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो ए ऑप्शन इसका सही है, 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg inverse 2। तो यहाँ पर जो दिया गया है SI मात्रक, इसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद करने लेना है, इसी से आपको डायमेंशन निकालना है, तो ये भी ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका क्या होगा? द्रव्यमान समान होगा, कक्षीय वेग समान होंगे, कोणीय आवेग समान होंगे, गतित ऊर्जा समान होगी। तो जैसा कि पता होगा आप वायुमंडल मतलब अंतरिक्ष में जो भी ग्रह हैं वो क्या हैं, छोटे बड़े हैं, तो द्रव्यमान तो समान नहीं होता है, कोणीय आवेग भी समान नहीं होता है, गतित ऊर्जा मतलब वेग भी ज़्यादा तेज़ रहता है, किसी का कम है किसी का तेज़ है, उनका क्या होता है, कक्षीय वेग जो रहता है वो समान रहता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, और हाँ जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा उसमें मैं जो इसके पार्ट हैं वो सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाती आप सबको, वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।